नमस्कार, डीएनएन एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव साल में जाने से पहले राजनीतिक दलों ने अब अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2018 में कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने वाले महाकौशल पर अब की बार भी कांग्रेस की नजर है, और यही वजह है कि कमलनाथ जबलपुर से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या महाकौशल कांग्रेस पर फिर से एतबार करेगा? तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद अहम है, और दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। 19 अक्टूबर को एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जबलपुर से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और चुनावी शंखनाद करेंगे। पनागर विधानसभा में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही चुनावी आगाज हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस अब जमीन पर उतरने की तैयारी कर चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव संपन्न होने के बाद अब कांग्रेस में ऊर्जा भरने कमलनाथ प्रदेश में दौरा करेंगे। क्या होगा इन दौरों में? क्या महाकौशल फिर से कांग्रेस पर एतबार जताएगा जैसे 2018 में मैंडेट दिया था? चर्चा इसी पर करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं कमजोर साबित नहीं हो रही है और महाकौशल सहित तमाम सारे अंचलों पर फोकस बनाए हुए हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी साल में जाने से पहले तैयारियों में जुटी हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां किसी भी सूरत हाल में एमपी फतह करना चाहती हैं। कमलनाथ के लिए एमपी में दोबारा सरकार बनाना नाक का सवाल बना है, तो बीजेपी अपने सूबे को गंवाना नहीं चाहती, लिहाजा दोनों ही पार्टियों ने अभी से जोर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी तो लगातार चुनाव से जुड़े कार्यक्रम और आयोजन कर रही है, मगर अब कांग्रेस भी 19 अक्टूबर से एमपी में चुनावी शंखनाद करने जा रही है। 19 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जबलपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां से वो अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। पनागर विधानसभा में वो आम सभा को संबोधित भी करेंगे। 2018 में प्रदेश में कांग्रेस को जब सत्ता हासिल हुई थी, तब महाकौशल उसका मजबूत गढ़ साबित हुआ था। पार्टी ने महाकौशल में शानदार प्रदर्शन किया था, और अब कांग्रेस अब की बार भी महाकौशल से ही सत्ता का रास्ता ढूंढने जा रही है। देखिए, पूरे प्रदेश में कमलनाथ जी के तूफानी दौरे शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी की इस अत्याचारी सरकार की नीतियों को हर जगह, इसके कुशासन को हर जगह एक्सपोज करना है। इस कारण जनता के बीच हमेशा तो वे रहते ही हैं, लेकिन जिलावार ये दौरे बनाए जा रहे हैं। तो 19 तारीख का जो जबलपुर दौरा हो, उसके बाद भी आगे जो दौरे प्रस्तावित हैं, क्योंकि एक साल केवल अब चुनाव में रह गया है, तो उनकी सक्रियता पहले से और ज़्यादा होनी जा रही है। इस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वे हर जिले में आएँ, उनके साथ बैठें, उनके साथ संवाद करें, और भाजपा की सरकार के खिलाफ जो अपने प्रोटेस्ट हैं उसमें उनका साथ दें। तो इसको लेकर के उन लोगों ने निवेदन किया, इसलिए हर जगह उनके जो दौरे हैं ये आने वाले समय में और भी इनकी संख्या बढ़ेगी। कांग्रेस कमलनाथ सरकार के 15 महीनों की सरकार में महाकौशल को जो सौगातें मिली हैं उसको बताएगी, और बीजेपी सरकार की नाकामियों को गिराया जाएगा। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के प्रदर्शन से बेखौफ पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही है। पार्टी का दावा है 2023 में हमारी सरकार बनेगी, जनता अपना मन बना चुकी है। वैश्विक नेता है वो, नैया के खेवैया, ये जब पूरे देश के अंदर वो ही है तो किसी एक प्रदेश की चर्चा क्यों करना है। वो हमारे नेता हैं, कुशल नेतृत्व है उनका, मोदी जी पे पूरे देश की अटूट आस्था है, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम 2023 में फहराएगा ही। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उनके बारे में बता चुके। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के अलग अलग दावे हैं और अपनी तैयारियां, मगर देखना होगा। चुनाव से एक साल पहले कांग्रेस प्रचार अभियान कर रही है, लिहाजा उसे इसका कितना फायदा होगा? सवाल ये भी, जिस महाकौशल ने 2018 में कांग्रेस के सिर पर सत्ता का ताज सजाया था, क्या 2023 में जनता फिर से कांग्रेस पर एतबार करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन। चलिए सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ कांग्रेस से आनंद तारण जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी और वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद मालू जी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। आनंद तारण जी, महाकौशल से आगाज
अब लगता है कि जो ये चुनाव की कवायद चल रही थी पूरी हो चुकी है, अब जमीन पर उतरने की तैयारी? वो चल रही है और जब से चल रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काबिज हुई है और पिछले दरवाजे से हुई है, निश्चित रूप से कांग्रेस और मध्य प्रदेश की जनता उतावली है भारतीय जनता पार्टी से दो दो हाथ करने के लिए, क्योंकि जनता ने जो जनादेश कांग्रेस को दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख करके और तोड़ फोड़ करके और अपनी सरकार स्थापित करके निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता इस बात से बहुत नाराज है। जहां तक विकास की बात है, विकास सैकड़ों किलोमीटर पीछे चला गया मध्य प्रदेश में, केवल बातें हैं, जमा खर्च इसके अलावा कुछ नहीं है। लगातार सभाएं हो रही हैं अमित शाह की और नरेंद्र मोदी जी की, और अब 18 साल शिवराज की सरकार के बाद अब सामने नरेंद्र मोदी का चेहरा ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि पूरे प्रदेश में शिवराज जी का विरोध है, शिवराज जी के चेहरे को पसंद नहीं कर रहे लोग, और अब नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तो वैसे ही कैसा है ये पूरा देश की जनता जानती है, किस तरह से आज जो महंगाई की बात हो या दूसरी चीजों की बात हो, कहां से कहां पहुंचा दिया देश को। जो बोलते थे कि हम काला धन लेके आएंगे, जो बोलते थे कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, जो बोलते थे कि नोटबंदी के बाद आप देखना क्या होगा, 50 दिन के बाद किसी भी चौराहे बुला लेना, जो बोलते थे कि नोट का मूल्यांकन हो रहा है, हमारा शर्म से चेहरा झुक रहा है, तो उन मोदी जी का जो गैस सिलेंडर की बात करते थे, तमाम तरह की जो बातें करके सत्ता के सुख भोगा है, और इसके बाद यही सब बातें ले जाएंगे कमलनाथ जब पनागर में आगाज करेंगे, चुनावी शंखनाद करेंगे, तो जो आप बोल रहे हैं यही बिंदु होंगे? नहीं, सब बिंदु होंगे जो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे मध्य प्रदेश से लेकर देश तक की जो नाकामी है, जिस तरह से आज लाइन ऑर्डर की खराबी है, जिस तरह से बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, जैसे अपन ने परसों ही देखा कि एक बहन आत्महत्या कर ली, तो कहाँ लाइन ऑर्डर है मध्य प्रदेश में? चारों तरफ अराजकता का माल है, बेरोजगारी अलग है, तो ऐसी कौन सी समस्या जो मध्य प्रदेश में नहीं है? लेकिन इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल जनता के बीच में मीडिया के थ्रू जा रही है, केवल छपास और इसके अलावा कुछ नहीं, विज्ञापनों के माध्यम से अपने आप को चमकाने की कोशिश करे, लेकिन धरातल पर कहा है, धरातल पर तो शून्य है ना, शून्य के अलावा कुछ नहीं है, चारों तरफ अराजकता का माहौल है लोगों में। अभी नगरी निकाय के चुनाव हुए छिंदवाड़ा में, तो आप देख ले रिजल्ट, और फिर कह रहे हैं आप कि वो मैंने आपसे क्या बोला कि ये जब मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, ये छोटे चुनाव होते रहते हैं, छोटे चुनाव में जो सत्ता पक्ष होती है वो अपने तरीके से, मध्य प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शून्य स्थिति में, पूरे प्रदेश के चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, तो उसमें एक अलग माहौल रहता है और उन सब चीजों की परिणति होती है। तो जमीन पर सिर्फ कांग्रेस दिखाई दे रही है अभी, चुनाव हुए तो उसमें क्यों कांग्रेस को सफलता मिली थी? चलिए, राजेश जौहरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, क्या लगता है कि महाकौशल पर इसलिए फोकस कि 2018 का अनुभव ठीक रहा, 38 सीटें थी, काफी सीटें कांग्रेस के पास आई थी, भाजपा ने काफी कुछ खोया था महाकौशल में? जी देखिए महेंद्र जी, कि हमने बीजेपी नेताओं को हमेशा कहते हुए सुना है कि वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं, और ऐसे में अच्छी बात है कि कांग्रेस ने भी चुनाव से साल भर से ज्यादा बचा है और इलेक्शन मोड में आ गई है, और इलेक्शन कैंपेन अपना शुरू भी कर दिया है, विधिवत फॉर्मल तरीके से शुरू कर दिया है। अब एक बात है कि जो अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था, जो कल हुआ, संपन्न हुआ, जिसकी वोटिंग संपन्न हुई, तो उससे काफी हद तक जो कार्यकर्ता है, जो चार्ज तो ऑलरेडी थे वो, तो हमें लगता है कमलनाथ जी ने शायद उसी चीज का फायदा उठाना चाहा होगा, या उस चीज का जिसे कहना चाहिए सही समय पर सही इस्तेमाल करना चाहा होगा, कि इस समय ऑलरेडी चार्ज में है वो, तो इसलिए उनको लेकर इलेक्शन कैंपेन शुरुआत कर दी जाए। तीसरी बात ये है कि जबलपुर का चुनाव करना पूरे प्रदेश में से, इसका मतलब महाकौशल जो अंचल है उस पर अभी भी कांग्रेस को उतना ही भरोसा होगा, और ऐसा लगता है कि महाकौशल और एक और इलाका है जो अपना भिंड ग्वालियर वाला इलाका है, इन दो इलाकों से ही आप देखिएगा जीत हार का जो फैसला होगा वो इन्हीं दोनों इलाकों से होगा, ये तो हम लोगों को पिछले 4-5 सालों से हम आपको सबको समझ में आ रहा है, शायद यही कारण है कि उन्होंने जबलपुर चुनाव, और अब जिस तरह से देखते हैं किस तरह से जितने मुद्दे अभी आनंद सारंग जी ने बताए, कितने मुद्दे कितने प्रभावी तरीके से जो मैदान में उतार पाते हैं लोगों के बीच में, लोगों के
गले उतरते हैं। देखिए मुद्दा आप कुछ भी उठा लो लेकिन उनकी गले भी उतरना चाहिए, तो उनकी गले उतरते हैं और जनता वो मुद्दे, वो आपके जो मूवमेंट है, आपका जो जो भी आंदोलन होंगे वो वोटों में तब्दील होते हैं कि नहीं, ये हमें देखना होगा। ठीक बात है गोविंद मालू जी, कांग्रेस तो अपना चुनावी शंखनाद कर चुकी है लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आप लोग कहते हो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तो ये माना जाए कि जैसे ग्वालियर की जब आम सभा में अमित शाह बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि 15 महीने की सरकार का अनुभव ले लिया, ये दोबारा गलती ना करना, वोट कमल को ही देना, तो अब ये भी मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी भी आ चुकी है मैदान में और पहली जैसे सब चीज़ों में पहले बाजी मारती है, तो कांग्रेस लेट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी आगे हो गई? महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा ही मैदान में रहती है, 24/7 हम संगठन का काम करते हैं और संगठन का काम तो यही है कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना, कार्यकर्ताओं को पुष्ट करना, कार्यकर्ता के बीच जाते हैं, हमारा सब अभियान सारे कार्यक्रम सब हमारी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के केंद्रित होकर रहते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारी बूथ इकाई है हम उसको परिपुष्ट बनाने के लिए हमेशा उस संकल्पना के आसपास काम करते हैं, इसलिए चुनाव में कोई नई बात नहीं हो जाती है, चुनाव के तो बस घोषणा होती है फॉर्म भरना है और चुनाव लड़ाना है। हमारे यहाँ पर केवल उम्मीदवार जो तय होती है वो चुनाव समिति तय कर रही है, इसलिए शंखनाद का सबसे कांग्रेस को करना पड़ता है, हमें कोई टोटी जरूरत नहीं। हाँ चुनाव निकट आएंगे तो बोले नेता भी जाके भाषण देंगे, बोलेंगे भी कि भाई कांग्रेस का की असफलता क्या है, क्या उनके जनता के लिए उन्होंने क्या किया, 50-60 साल तक वो कब्जा करके बैठे शासन पर, क्या किया उन्होंने, कितने वादे किए और कितनी वादा खिलाफी की, इन सब बातों का ब्यौरा, इन सब बातों की बैलेंस शीट हम जनता के बीच में रहते हैं। और हम भी हम ये नहीं कहते कि हम केवल हम ये बताते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने हमने क्या किया, हम ये बताते हैं और ये स्क्रूटनी करने का काम जनता का है। देखिए एक तो कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाती रहे, जनता के गले उतरना चाहिए, ये तो बेसिर पैर की इनको कुछ बोलना है विरोध में तो बोलते हैं, ये कोई ऑथेंटिक बात, प्रामाणिक बात, कोई सत्यपरक बात, कोई ऐसी बात जो वास्तव में लोगों को झकझोरती है, ऐसा कोई मुद्दा इनके पास नहीं है, ये तो जनता इनके साथ होती, जनता सड़कों पर होती इनके साथ ये बात करेंगे तो, लेकिन न तो ये सड़क पर है न जनता इनके साथ आने को तैयार है, इसलिए ये मेहनत ये इसलिए ये ट्विटर फेसबुक खेलते रहते हैं। और नहीं लेकिन कमलनाथ जी अब जनसभा करने उतर रहे हैं मालू जी, शंखनाद करने, ये कहें कि चुनावी अभियान की शुरुआत करने, कमलनाथ जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस, उनको तो जाना ही चाहिए, सब लोग जाएंगे, जनसभा भी करेंगे, बैठ के करेंगे, लेकिन अब उनकी कैपेसिटी बची नहीं है, इसलिए अब वो और वो अलग किस्म के नेता है, वो सोफिस्टिकेटेड नेता है, जनता के बीच में जाकर इस तरह की मेहनत और परिश्रम जो शिवराज जी करते हैं वैसा नहीं कर सकते, वो जाए ये टोटकेबाजी जो कांग्रेस में करती है उससे कोई वोट नहीं मिलते हैं जनता के, और 15 महीने की उनकी सरकार में भी देखा लोगों ने, उनका एक एजेंडा था, रोज दूध की बंदी की तरह एक तबादले की सूची आएगी, उसके पीछे लेन देन होगा, तो ले और दे और जाओ, बस ये काम था। ठीक बात है राजेश जौहरी जी, केवल महाकौशल से शुरुआत करने का और क्या उद्देश्य हो सकता है? देखिए भाई जी, मुख्य उद्देश्य तो यही है कि पिछली बार सफलता मिली और अभी जब दमोह में जो चुनाव हुआ था, जब तुरंत बाद जब ये तो दमोह में सारी की सारी सरकार लग गई थी, फिर भी कांग्रेस ने वो चुनाव जीत लिया था, वो जो है जबलपुर का जो पूरा अंचल है उसमें कांग्रेस का जो जैसे कहना चाहिए बढ़ा हुआ प्रभाव या फिर बड़ा हुआ आत्मविश्वास जो नापने का एक बहुत बड़ा पैमाना था वो दमोह का चुनाव, और ये लगता है कि शायद उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही दमोह से शुरू सॉरी जबलपुर से शुरू किया है। और दूसरी बात, जबलपुर में इनके एक अच्छे विधायक भी है विनय सक्सेना जी, और चूंकि वो लगभग मैदान में भी रहते हैं ऐसा सुनने में आया है कि लगातार मैदान में रहते हैं, तो वो भी एक कारण होगा कि जहाँ पे आपका विधायक बहुत जबरदस्त हो वहां पर अगर आप शुरू करते हैं तो ऑलरेडी एक पार्टी की इमेज तो रहती है, ऊपर से वहां पे जबलपुर में कांग्रेस के कुछ बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं, जो कि अपन जिन सबका नाम लेना आज जरूरी नहीं है पर ये है कि वो अच्छे लीडर्स हैं और जो पिछले 30-35 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और मतलब वो सरकारें रहे नहीं रहे हैं, एक दो
लीडर्स तो ऐसे हैं कि वो जहां पे बैठक थी उनकी वहां बैठक रही, आज भी लोग उनसे मिलने आते हैं और जो जो काम है उसके लिए वो काम के लिए हमेशा करवाते हैं लोगों के। तो ये कुछ ऐसे कारण है जो कांग्रेस को अतिरिक्त उत्साह दे रही है वहां से चुनाव के लिए अपना कैंपेन शुरू करने का। और एक बात और थी कि अभी इन्होंने आनंद तारण जी ने बताया कि गोविंद माधव जी ने कहा कि तबादला वाले बात, तो एक बात ये है कि भाजपा को भी एक चीज का सामना तो करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के लेवल पे, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे गड़बड़ तो है भाजपा की सरकार में भी, जो उससे जैसे छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे मामलों में जो अपन ये नहीं कहेंगे कि बहुत बड़ा कोई बड़े लेवल का करोड़ों और अरबों का और 300 करोड़ और 1000 करोड़ का घोटाला, लेकिन आम आदमी के लिए जो आम आदमी की जेब से जब उसको किसी छोटे छोटे काम के लिए 500-1000 रुपए देने पड़ते हैं, वो उसके लिए उस 1000 करोड़ के घोटाले से ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक बात। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, मतलब अभी भी ऐसा पूरा एक साल है, जैसे कुछ अभी शिवराज सिंह जी को अभी अपन ने देखा कई बार बहुत आक्रामक रूप में उन्होंने बात की, अगर यही लोग मेंटेन करेंगे तो ही भाजपा को फायदा होगा, नहीं तो आपका कार्यकर्ता ही आपसे इस बात से निराशा में है। तो ऐसे में इसके लिए भी जरूरी रहेगा कि ठीक है कांग्रेस अपना जो भी चुनाव प्रचार कर रही है, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर वो अपने कार्यकर्ता का देश जीत दें। ठीक बात। तो आनंद तारण जी अब क्या कहेंगे कि वास्तव में महाकौशल इसलिए चुना कि आप में ऊर्जा का संचार हो, या फिर मालू जी तो कह रहे हैं कि आप कमलनाथ जी में बचे ही नहीं, उतनी ऊर्जा नहीं बची, अब वो सोफिस्टिकेटेड हैं और लगता है कि उनको शिवराज जी के मुकाबला नहीं कर पाएंगे वो। शिवराज जी कहाँ हैं अब, तो नरेंद्र मोदी हैं, शिवराज कहाँ से बीच में आ गए भाई, अभी तो मोदी का चेहरा है ना, शिवराज को तो अलग कर दीजिए। दूसरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अब चला चली की बेला है मध्य प्रदेश से पुनः, मैंने 2018 में भी आपके चैनल पर बोला था, फिर बोल रहा हूँ, अब ये तो जो बोल रहे हैं सब सही है, बगैर पैसे इनके कार्यकर्ता, मालू जी के खुद के काम होंगे तो बगैर पैसे के नहीं देंगे, इनके कर्मचारी जाएंगे पैसे दे के आएंगे काम करवा लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जब वर्कर खुद बोलते हैं, हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है वो सब बोलते हैं भैया बगैर पैसे के हमारी सरकार में तो काम नहीं होता, हम लोग भी बगैर पैसे के नहीं करते, इसके बाद भी विश्वसनीयता नहीं है जनता के बीच में, जो पैसे देते हैं काम के लिए उनको ये विश्वास नहीं देता कि हम पैसे दे रहे हैं काम होगा कि नहीं होगा, पैसे वापस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने जो बात बोली है बहुत गंभीर बात है, और अगर शिवराज जी ये बात बोल रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री को ये बात बोलना पड़ रही है, तो सोच लीजिए पूरे प्रदेश में क्या आलम होंगे। निश्चित रूप से आज पूरे कर्मचारी बेलगाम है बीजेपी की सरकार में, और जो जिससे जो बंदा है वो जिस तरीके से है वो ले रहा है, मैंने बोला ना कानून व्यवस्था कुछ है नहीं है, चारों तरफ अराजकता का राज है, वो अंधेर क्या बोलते हैं अपन, वो पुरानी कहावत है ना, अंधेर नगरी और चौपट राजा वाला मामला है, क्योंकि अगर राजा अच्छा होता तो चेहरा राजा का होता, जब राजा नरेंद्र मोदी का चेहरा लगा है तो जो 18 साल से शासन में थे आज उनके चेहरों को अलग करके चुनाव लड़ा जाएगा, तो इससे समझ लीजिए आप कि क्या हालात होंगे भारतीय जनता पार्टी के। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चला चली की बोला, क्योंकि जो 2020 में इन्होंने ऐसा कुछ हो रहा है क्या आनंद तारण जी, कुछ डर है क्या महाकौशल से, तो पहले महाकौशल पर ही फोकस, किसको डर है, कांग्रेस को, मैंने क्या बोला आपसे, हमारा महापौर है जबलपुर में, कांग्रेस का महापौर जीता है अभी, हमें काय का डर है, कांग्रेस कहीं डर ही नहीं, पूरे प्रदेश में कांग्रेस चारों तरफ से विजयी होगी, कांग्रेस पूरी तरह से आसान बैठे है, क्योंकि हम जनता के साथ है, जनता के लिए और जनता के द्वारा और जनता के हित में काम करेंगे, वो कर रहे हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र तक के घबरा गए थे, और इसलिए तो ताबड़तोड़ तरीके से सिंधिया एंड कंपनी को दबा धमका के पैसे दे दा के और उनको कांग्रेस से अलग करके, अभी तो संगठन का विस्तार भी आपको करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद, और फिर अभी बूथ लेवल तक भी पहुंचना है, कैसे जल्दी करेंगे। देखिए कांग्रेस कल भी महासमुद्र थी, आज भी महासमुद्र है और आगे भी रहेगी, देख लीजिए आप भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, किस तरह की बातें हुई थी शुरू में, कह रहे थे तो फोटो खिंचवाएंगे और चले जाएंगे, आज किस तरह से लोगों का प्रेम स्नेह और समर्पण मिल रहा है और साथ मिल रहा है, तो ये कांग्रेस की एक अनवरत साधना है, ये चलती रहेगी, कांग्रेस कभी निराश नहीं होती, आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और निश्चित रूप से तो उस यात्रा का फोकस जिस तरफ रहना है उसके दूसरे तरफ कमलनाथ जी फोकस कर रहे हैं, ये देखा जाए ना। नहीं देखिए
कांग्रेस में सब एक व्यवस्था है जो अनबनत चल रही है और चलती रहेगी। हम लोग क्या के दिखावे में कम काम करते हैं, काम में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हम जनता के साथ जुड़े रहते हैं, जनता की भावनाओं को समझते हैं, जनता के हित में काम करने की कोशिश करते हैं और उनका दिल जीतने की कोशिश करते हैं। और इसलिए आज आपने देखा होगा इतने विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस का कार्यकर्ता जो ईमानदार कार्यकर्ता वो साथ खड़ा हुआ है। मानो जी तो कह रहे कोई चुनौती नहीं है कांग्रेस मध्य प्रदेश में। हमें काहे की चुनौती को तो आज भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। नहीं तो वो आपको चुनौती मान ही नहीं रहे ना। हाँ, ये नहीं मान रहे ना तो अच्छी बात है ना जी। अगर चुनौती नहीं मान रहे तो इनके लिए हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। हमें खुला मैदान है कि हमें तो सब काम करना है। जब चुनौती नहीं मान रहे तो हमें तो जीरो से स्टार्ट करके 100 नंबर तक पहुंचना है, पहुंच जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 100 तक ही पहुंचना है कि इससे आगे भी? 100 तक का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब 1 से लेकर 100 तक की गिनती होती है, उसकी बात कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं चुनाव में, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा होंगी, जितनी हमारी पिछली सीटें थी उनसे हम ज्यादा लाएंगे और हमारी कांग्रेस की गौरवशाली जनहितैषी जनता के लिए समर्पित सरकार बनेगी। ठीक बात है। टारगेट कुछ रखा है क्या कि 130 150 ऐसा कुछ टारगेट रख लेती ना राजनीतिक पार्टियां? देखिए टारगेट अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस पूर्ण जनादेश के साथ आएगी, पूरा बहुमत के साथ आएगी और अच्छी तरह से 5 साल सरकार चलाई जी। मालू जी देखिए आप कितनी तैयारी है उनकी, सब बता रहे हैं वो, अब क्या कहेंगे? कागज के शेर कितना दौड़ेंगे समय बताएगा। कांग्रेस इस तरह की जो बड़बोलापन है वो बहुत होता है, इनमें करते थोड़ा है बताते ज्यादा है और जनता के बीच में इनकी स्वीकार्यता तो हो जाने है, मेहनत जाना आने से क्या हो रहा है, इनकी स्वीकार्यता तो समाप्त हो चुकी है पूरे देश भर में। मध्य प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, इनके नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं और अभी देखना लाइन लग जाएगी थोड़े दिन बाद, क्योंकि कमलनाथ जी ने कई लोगों को भी लाल झंडी दिखा दी है। अब वो कुछ लोग डरे हुए हैं कि हम चुनाव हार जाएंगे, बात छोड़ अभी होने वाली है, आप देखते जाइए महन। और इन्होंने 15 महीने का किया है, आपका प्रायश्चित को करना पड़ेगा, जनता के बीच में क्या लेकर जाएंगे ये मौका क्या इनको 15 महीने जनता ने, और उसके बाद जनता ने बहुत बुरी तरह से इनको उम्मीदवारों को हराया। उपचुनाव में देख लीजिए क्या रिजल्ट है, लोकसभा देखिए क्या रिजल्ट है। देखिए जनता का ये जो दर्पण है और उसको तो आईना देख रहा है, आई तो उसमें इनका चित्र क्या है, उसके बाद ये नहीं मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये आईना झूठ नहीं बोलता है, जनता का आईना है और उनने दिखा दिया इनको क्या इतनी बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2023 में। कोई हम तो हमारे काम पे हमको भरोसा है, हमने काम जो किए हैं हम उस आधार पर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कांग्रेस वांग्रेस कोई चुनौती हमारे लिए नहीं है, हम इनको बहुत ही विधि का शोरबा समझते हैं और इसलिए हम इनसे इनकी किसी भी एक्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता इनको इनको सही जगह बताने के लिए बेताब है। राजेश जोरी जी क्या कहेंगे आपके 2023 में, क्या वास्तव में कांग्रेस अगर इस स्थिति में रही तो चुनौती बन पाएगी भाजपा के लिए? देखिए कांग्रेस चुनौती बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन एक बात भाजपा की जो पॉलिसी अपने को दिख रही है इस समय, 2003 में जिस तरह से इन्होंने 47 सीटों के पीछे जो आदिवासी सीटें उसके पीछे जो पॉलिसी बनाई थी बिल्कुल उसी लाइन पे फिर 20 साल बाद काम शुरू हो गया है कि उन 43 सीटें जो आदिवासी बहु सीटें हैं उसके लिए, तो वो 43 सीटें निर्णायक भी होंगी जो हमने देखा था अभी चुनाव में 2018 के चुनाव में देखा था। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस जो चैलेंज बनेगी तो बनेगी और जो करेगी विपक्षी पार्टी वो तो सब कुछ करेगी, लेकिन आज उमा भारती जी जो है उनको भाजपा नहीं संभाल पा रही है, ये चिंता की बात है कि बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बोतल में से जिन बाहर आ जाता है। तो अब आप परेशानी समझिए कि वो अब जैसे आज ही उन्होंने कह दिया कि ये बोर्ड हटाओ, ये नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब परेशानी ये है कि उमा भारती जी बार बार इनको जो पता नहीं क्या हो रहा है भाजपा का संगठन उमा भारती जी को उस तरह से कन्विंस नहीं कर पा रहा है या उस तरह से विश्वास में नहीं दे पा रहा है। और अगर इस तरह से उमा भारती के जो पिछले 1-2-3 दिन के तेवर हैं अगर ये जारी रहते हैं तो चुनाव में शायद चैलेंज बढ़ेगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा ऐसा तो सब सोच रहे हैं। तो
आप तीनों मेहमान हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका, बहुत शुक्रिया गोविंद मालू जी आपका, और बहुत शुक्रिया राज जौहरी जी आपका। तो महाकौशल पर कांग्रेस की फिर एक बार नज़र, 2018 की जैसी उपलब्धि कांग्रेस को मिली थी उसी तर्ज पर अब कमलनाथ का फोकस शायद इसीलिए हो कि वहाँ उन्हें ताकत और मिले, क्योंकि अब 2023 की तैयारी है और कमलनाथ उसका आगाज करने वहाँ पहुँच रहे हैं। एक आम सभा को संबोधित कर चुनावी शंखनाद करेंगे कमलनाथ। कांग्रेस को कितनी ताकत देगा महाकौशल, ये तो देखना फिलहाल बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन अभी जिस तरीके से कमलनाथ अब एक्टिव मोड में आ गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद, उसमें भाजपा के लिए कितनी चुनौती बनती है ये भी हम देखेंगे। डीएनएन एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।